नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी टेढ़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो एग्रीगेट रूट्स पर रहेगा, यानी कि डोमेन ड्रिवन डिजाइन में एग्रीगेट रूट्स का क्या काम होता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा एग्रीगेट रूट के नाम से एक फोल्डर आप लोगों को मिलता है एग्रीगेट्स के नाम से, और उस एग्रीगेट्स को क्यों बनाया जाता है, क्या जरूरत होती है उस चीज की, तो हम लोग उसे कैसे एग्रीगेट्स के नाम से डिफाइन करते हैं डोमेन ड्रिवन डिजाइन में, उस चीज को आज हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आई होप ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए कोई भी नहीं बनाता है, लेकिन कंपनी में काम ऐसे ही होता है। ऐसी ही चीज़ें आप लोगों को डिज़ाइन करने के लिए दी जाती हैं और ऐसे ही चीज़ें आप लोगों को डिज़ाइन करनी भी ही होती हैं, ठीक है। वैल्यू ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एग्रीगेट्स क्या होते हैं आप लोगों के पास, बेस टाइप्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, एंटिटी टाइप्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें आप लोग एक प्रोजेक्ट के माध्यम से ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं, ये मेरा मानना है। और मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है आप लोगों के लिए 600 रुपीज़ की, उसमें मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स ही देता हूँ और बिगनिंग से प्रोफेशनल वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। इसमें आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। सिर्फ इसकी जो प्राइस है वो दैट इज़ ओनली 600 रुपीज़ है। इसको ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना है, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप लोगों को ज्वाइन करना है, उसको आप लोगों को फिल करना है, एंड फाइनली आप लोगों का ये मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगा। इस मेंबरशिप में आप लोगों को .NET कोर का है, ये लाइफ टाइम जर्नी है मेरी, और 10 to 14 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, अब तो 16 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा। 16 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, 10 to 16 ईयर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं यही कहूँगा, जो लोग लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं और जॉब में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है वो ये कहता है कि आप लोगों की जॉब जो है वो साधारण वीडियो ट्यूटोरियल देखकर या आप लोगों का जो बेसिक सीख कर आप लोगों को जॉब सिक्योर नहीं कर सकते। आप लोगों को कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप लोगों को मेजर रखना होगा, आप लोगों को मिनिमम टाइम में जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट्स जो है वो गेट करने होंगे। तो ये वीडियो जो है वो इसी को ध्यान में रखकर मैंने बनाया है। और अगर जो लोग लिटरली ये चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा सीखे, तो ये मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है, मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। उसकी फीस जो है वो 600 रुपीज़ है, लेकिन 600 रुपीज़ में आप लोगों को रिएक्ट भी सीखने को मिलेगा, एंगुलर भी सीखने को मिलेगा, आप लोगों को REST API भी सीखने को मिलेगा, आप लोगों को .NET कोर भी सीखने को मिलेगा, आप लोगों को SQL सर्वर सीखने को मिलेगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर सीखने को मिलेगा, डैपर सीखने को मिलेगा, और वो भी प्रोजेक्ट के माध्यम से। पूरा सोर्स कोड आप लोगों को मिलेगा, पूरे वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये लोकल वीडियो ट्यूटोरियल नहीं रहेंगे, आप लोगों के प्रोफेशनल वीडियो ट्यूटोरियल, यानी बिगनिंग से लेकर एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। उसमें ऐसी चीज़ें आप लोगों के पास रहेंगी, बेस टाइप्स क्या होता है, कब किस का इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए, कौन से डिज़ाइन पैटर्न का इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिगनिंग टू एडवांस लेवल तक बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को ये गूगल फॉर्म फिल करना ज़रूरी है और ये मेंबरशिप लेना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट के माध्यम से जो चीज़ें आप सीखते हैं उसकी बराबरी आप लोग जो है इंडिविजुअल वीडियो से नहीं कर सकते। आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है, डोमेन ड्रिवन डिजाइन है। डोमेन ड्रिवन डिजाइन को कौन लोग करते हैं, जो डोमेन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रखते हैं। अब डोमेन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग एक कंपनी में काम करते हैं और आप लोगों को लगता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, उस पूरे सॉफ्टवेयर की जानकारी जो है आप लोगों को रहेगी, क्योंकि आप लोगों को उस डोमेन के बारे में पता है, आप लोग मैनुअली उस चीज को हैंडल कर रहे थे, अब आप लोग उस चीज़ को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हेल्प जो है डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसको आसान बनाना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन यूज़ किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। ई कॉमर्स के लिए भी हम लोग डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन यूज़ करते हैं, और डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन के बारे में जैसा मैंने बोला कि डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आजकल मैं लिटरली आप लोगों को बोल दूं कि डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन के बहुत सारे एडवांटेजेस आगे निकल कर आ रहे हैं। CQRS पैटर्न के हैं, क्लीन आर्किटेक्चर्स के हैं, ये सारे जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, फैक्ट्री पैटर्न्स हैं, ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो वैल्यू ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एंटिटी क्या होता है, जैसा मैंने बोला एग्रीगेट रूट्स है, एग्रीगेट्स क्या होता है, एग्रीगेट बाउंड्रीज क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है, वरना आप लोग इंडस्ट्रीज के अंदर जो है टिक नहीं पाएंगे। मैं आप लोगों को लिटरली बोल दूँ, क्योंकि आजकल AI का ज़माना है,
एआई में भी जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा चीजें रखेगा, उसी को ही कंपनी में रखा जाएगा। तो मेरा मानना यही है दोस्तों, ये 600 रुपीज आज आप लोगों को हो सकता है महंगे लगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया है और बहुत सारे लोगों की तो जॉब भी लग चुकी है इस 600 की वजह से। जिसका 6 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज लग रहा है, वो मैं यही कहूंगा आज हो सकता है कि सभी को ये 600 रुपीज ज्यादा लगे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये 600 की वजह से आप लोगों का जॉब लग सकता है, ड्रीम जॉब्स लग सकता है, काम कर सकते हैं आप लोग कंपनी के अंदर, अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि ये 600 रुपीज ज्यादा नहीं है, और मैं अच्छा आप लोगों को वीडियोस जो है वो देना चाहता हूँ, और मेरी टीम जो है वो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, बड़ी बनाना चाहता हूँ। चलिए, आप गूगल फॉर्म तो फिल करेंगे ही, उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अभी एग्रीगेट रूट्स की, कि एग्रीगेट रूट्स क्यों जरूरी है और क्यों हम लोगों को बनाने भी चाहिए। एग्रीगेट रूट्स का मतलब हम लोग ये मानकर चलें कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, एक ग्रुप ऑफ एंटिटीज जो होता है उसमें एग्रीगेट रूट्स होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एंटिटी को हम लोग एग्रीगेट रूट नहीं मान सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो मैं प्रोडक्ट को एग्रीगेट रूट नहीं मान सकता, ई कॉमर्स की बात कर लेता हूँ। तो एग्रीगेट रूट्स जो है वो ग्रुप ऑफ एंटिटीज में होते हैं, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं आप लोगों के प्रोजेक्ट की, और या इनवेरिएंट जो होता है उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्ले जो रोल है वो आप लोगों का एग्रीगेट रूट्स करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट है, एक ऑर्डर आइटम है और एक ऑर्डर टेबल है। तो यहाँ पर ऑर्डर जो है वो एग्रीगेट रूट है। एग्रीगेट रूट क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो तो एक एंटिटी है, इसमें आप लोगों का प्रोडक्ट आईडी होगा, प्रोडक्ट का नेम होगा, प्रोडक्ट का प्राइस होगा। अब ऑर्डर आइटम क्या होगा, ऑर्डर आइटम में आप लोगों का प्रोडक्ट आईडी ऐड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों का ये बोला जाएगा कि भाई आप लोगों के इस ऑर्डर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो मेंशन किया जा सकता है। लेकिन ऑर्डर के अंदर तो आप लोगों के लिस्ट ऑफ ऑर्डर आइटम्स हो सकते हैं, वहां पर उस ऑर्डर आइटम्स की लिस्ट में कौन सा ऑर्डर ऐड होगा, कौन सा ऑर्डर रिमूव होगा, दैट इज द मैनेजेबल कैपेबिलिटी। तो यहां पर जो ऑर्डर आइटम्स को मैनेज करने का काम कर रहा है वो आप लोगों का ऑर्डर टेबल कर रहा है, दैट इज द एग्रीगेट रूट, वो एग्रीगेट रूट आप लोगों का रहेगा, ठीक है। तो जो भी मैनेज करने का काम करे वो एग्रीगेट रूट आप लोग मानना पड़ेगा आप लोगों को, और उसे ही आप लोगों को डोमेन ड्रिवन डिजाइन में एग्रीगेट्स रूट के नाम से बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं चलिए, क्योंकि यूज केसेस से आप लोग ज्यादा समझ जाते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो यहां पर बुक को अगर हम लोग एग्रीगेट रूट मान लें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक किसी को भी मैनेज नहीं करती है। यहां पर बुक का आईडी होगा, बुक का प्राइस हो सकता है, बुक के अंदर ऑथर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लाइब्रेरी को यहां पर एग्रीगेट रूट माने, क्योंकि लाइब्रेरी मैनेज करती है बुक्स को, ठीक है, तो यहां पर लाइब्रेरी जो है वो यहां पर एग्रीगेट रूट्स का काम कर सकती है, ठीक है। तो लाइब्रेरी हो गया वहां पर एग्रीगेट रूट, और बुक हो गया वहां पर आप लोगों का सिंगल एंटिटी, या बुक के अंदर जितने भी वैल्यू ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोगों का बुक का आईडी हो गया, बुक का नेम हो गया, ये सारे वैल्यू ऑब्जेक्ट्स आप लोग बना सकते हैं। अब एक और एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करना चाहें, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि यहाँ पर एग्रीगेट्स जो रूट होते हैं वो होते क्या है डोमेन ड्रिवन डिजाइन में। तीसरा अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करना चाहें कि मान लीजिए कि डॉक्टर है, पेशेंट है, टेबल है, और एक अपॉइंटमेंट टेबल है, तो यहां पर मैं पेशेंट को जो है यहां पर क्या बना सकता हूं, दैट इज एग्रीगेट रूट बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं उसका एग्जांपल देखिए। देखिए पेशेंट जो है वो एक टेबल होती है मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री मतलब पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसे पहले कोई बीमारी थी या नहीं थी, तो उसका मैनेज करने का काम पेशेंट कर सकता है, पेशेंट का एंटिटी कर सकता है। तो पेशेंट को हम लोग, पेशेंट और मेडिकल हिस्ट्री को हम लोग एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, बॉक्स में रख सकते हैं। उस बॉक्स को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज द बाउंड्री, उस बाउंड्री पर हम लोग लेकर आएंगे, दैट इज पेशेंट, क्योंकि पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री को यहां पर जो मेडिकल हिस्ट्री टेबल है उसको मैनेज करने का काम कर रहा है, उसमें मैनेज ऐड और रिमूव करने का काम कर रहा है, तो हम लोग यहां पर पेशेंट को एग्रीगेट रूट मान सकते हैं। दूसरा अपॉइंटमेंट का है, तो डॉक्टर को मान लीजिए हम लोग यहां पर एंटिटी ही कंसिडर करते हैं, और डॉक्टर टेबल को हम लोग अपडेट नहीं करते हैं एज ए एग्रीगेट रूट, क्योंकि डॉक्टर में डॉक्टर का आईडी होगा, डॉक्टर का नेम होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अपॉइंटमेंट्स में डॉक्टर और पेशेंट दोनों को मैनेज किया जा रहा है, कब अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, शेड्यूलिंग की जा रही है, और कब उसको रिमूव किया जा रहा है, तो ये सारा का सारा काम कौन करता है, दैट इज अपॉइंटमेंट टेबल। अपॉइंटमेंट जो है वो यहां पर एग्रीगेट रूट है। तो पेशेंट एग्रीगेट रूट हो गया, अपॉइंटमेंट एग्रीगेट रूट हो गया। तो जो भी मैनेज करने का काम करेगा, जो भी उन चीजों को इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करेगा, वो दैट इज द एग्रीगेट रूट। लेकिन ये सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी के ऊपर आप लोग एग्रीगेट रूट नहीं बनाएंगे,
आप लोगों को ग्रुप ऑफ एंटिटी ही लेना पड़ेगा और उसी में से ही आप लोगों को एग्रीगेट रूट जो है वो निकालना पड़ेगा, दैट इज द एग्रीगेट रूट। तो डोमेन ड्रिवन, अगर आप लोगों को लिटरली ऐसी भाषा में यूज केसेस के थ्रू किसी चीजों को टॉपिक्स को समझना है तो आप लोगों को लिटरली मैं बोल रहा हूँ ये मेंबरशिप आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो आप लोगों को ज्वाइन करनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, गूगल फॉर्म है, फिल कर लीजिए, पता लग जाएगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी, सारा का सारा कंप्लीट कोड जो है आप लोगों को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप अपना वेस्ट क्यों कर रहे हैं टाइम। आप बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं चैट जीपीटी से सीख लूंगा, लेकिन जिसको डोमेन के बारे में पता ही नहीं है वो कैसे सीख लेगा। आप लोग सर्च कीजिए, कितना भी सर्च कीजिए, लेकिन हो सकता है कि आप लोग सही तरीके का सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी से भी ना बना पाए, लेकिन जिसको डोमेन की इंफॉर्मेशन है वो चैट जीपीटी या एआई टूल्स को भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा। मेरा मानना यही है, आप लोगों को पहले डोमेन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी के बाद में ही आप लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और आज आप भाई, मैं यही बोलता हूँ कि जिन लोगों को लिटरली कुछ सीखना है पहले डोमेन की इन्फॉर्मेशन ले लो, थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन या ये सारी चीजें होती है स्टेप बाय स्टेप, उनके बारे में डिटेल्ड अब आप लोगों को रिसर्च करनी है, चैट जीपीटी है या एआई टूल्स है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, आज भी फिर से यही बोल रहा हूँ, सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, गूगल फॉर्म है, फिल कर दीजिए एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं।